प्रकाश पुंज पानीपत से जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदया गुरबिण घोर अंधार। इस शब्द का आंतरिक रहस्य बताने की कृपा करें। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा प्रकाश दिखता है ध्यान में, लेकिन थोड़ा सा बिंदु समान, कब वो वक्त आएगा जब हजारों सूरजों की रोशनी मैं देख पाऊंगा? ऐसा वक्त कब आएगा जब हजारों चंदा और सूरज उगेंगे और मुझे दिखेंगे? जे सो चंदा उगवे, अगर सो चांद उग जाए, सूरज चढ़े हजार और सूरज हजार उग जाए, ऐते चानण हुंदया इतने प्रकाश होने के बाद भी गुरु बिन घोर अंधार, बिना गुरु के घोर अंधकार ही होता है। व्याख्या कर उन्हें प्रकाश का वर्णन गलत कर दिया। व्याख्या कर उन्हें प्रकाश का वर्णन तुम्हारे इस प्रकाश से जो आंखों से देखा जाता है उससे कर दिया। लाइट प्रकाश, इन शब्दों में उस प्रकाश का कोई मतलब नहीं। और अगर तुम्हें ध्यान में वो प्रकाश न दिखाई पड़े तो चिंता मत करना, वो प्रकाश हमारा लक्ष्य भी नहीं। ऋषियों ने अगर कामना की तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमे, तो जिस प्रकाश की अंकाक्षा की, प्रकाश उस रहस्य पर प्रकाश, सूरज का प्रकाश है, उस रहस्य पर प्रकाश, जैसे हम कह देते हैं कि इस शब्दों पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसके रहस्य को सुलझाइए, इन गांठों को खोलिए, इसके भीतर का मर्म क्या है ये बताइए। हम शब्दों से चिपक जाते हैं, मैंने बहुत बार कहा, और अक्सर शब्दों से चिपकने के कारण हम उलझे रहते हैं, अज्ञानी बने रहते हैं, ज्ञान हमारे पास पटकता नहीं। और शब्दों के अतिरिक्त आपको समझाने का कोई ढंग भी नहीं। वार्तालाप करने का एक ही साधन है लिपि, भाषाएं अलग अलग हैं, लिपि ही एकमात्र तरीका है आपको बतलाने का, समझाने का। और एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, इसलिए हम भ्रमवश गलत अर्थ पकड़ लेते हैं, या हमारे व्याख्याकार भ्रमवश गलत शब्दों का उपयोग कर लेते हैं व्याख्या करते वक्त। जो सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार
ऐते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। सो चंद्रमा भी उग जाए, हजार सूरज भी उग जाए, लेकिन अगर आप गुरु के पास नहीं पहुंचे तो फिर अंधकार ही अंधकार है। लोग मुझे कह देते हैं, बाबा ये प्रकाश दिखा, लाल प्रकाश दिखा, ये श्वेत प्रकाश कब दिखेगा? मैंने कहा बल्ब ले आओ, श्वेत प्रकाश हो जाएगा। सूरज की तरफ देख लो, चंद्रमा की तरफ देख लो, श्वेत प्रकाश। अरे अंधा होना है क्या मूर्ख? शब्दों के साथ क्यों चिपटे? ध्यान करना है, और ध्यान का अर्थ तुम समझते हो? ध्यान का अर्थ सूरज दर्शन नहीं है। अगर प्रकाश दर्शन है तो सूरज रोज उगता है, उसके सामने आंखों से आंखें मिला लेना, अंधे हो जाओ। तुम्हें तलाश उस सूरज की है जिसने इस सूरज का निर्माण किया, और सूरज तो ये बहुत छोटा है। हमारा सूरज तो आकृति में बहुत छोटा है, वेरी टाइनी पार्टिकल, बड़ा सूक्ष्म है, जबकि इस कायनात में इतने बड़े बड़े तारे हैं कि हजारों लाखों सूरजों को अपने भीतर संभाले। ये सूरज हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। और ऐसे ऐसे सूरज हैं, तारे हैं इस सृष्टि में, जो सूरज से लाखों गुना ज्यादा बड़े हैं। तो इस कायनात का कहीं कोई अंत नहीं, इसकी विशालता का कोई अंत नहीं, लेकिन हमने मात्र ये प्रकाश वाला सूरज नहीं देखना है, इसकी फिक्र त्याग दो। ध्यान में सूरज दिखता है, नीली रोशनी दिखती है, पीली दिखती है, लाल दिखती है, सफेद नहीं दिखती, दिखती है छोटी दिखती है, नहीं, ये तुम्हारा मंतव्य ही नहीं है। तुम्हारा मंतव्य क्या है? तुम्हारा मंतव्य है उस आनंद की तलाश। बस सभी जगह से कॉन्सेंट्रेट हो जाओ और एक बिंदु पे आ जाओ जिसे हम आनंद कहते हैं। सभी खोजें आनंद पे जाके समाप्त हो जाती हैं, और आनंद तृप्तिदायक है। इसलिए कबीर ने कहा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोख धन सब धन धूल समान। और संतोख कब मिलता है? आनंद के बिना संतोख नहीं। तो तलाश आनंद की है। आनंद यानी अखंड खुशी, वो खुशी जो टूटे ना, जिसकी तार ना टूटे, उसकी तलाश है मानव मात्र को, प्राणी मात्र को। और सब तलाशें तुम्हारे भ्रम है, तुम्हारे व्याख्याकारों ने तुम्हें उलझनों में डाल दिया है, तुम्हारे ध्यान भटका दिए हैं, क्योंकि खुद जानते हैं। इसलिए तुम्हारे ध्यान और तरफ डाल दिए। प्रकाश देखो, अगर प्रकाश दिख गया तो आप धन्य हो गए। सूरज का प्रकाश देख लो, आंखों से आंखें चार कर लो सूरज से, प्रकाश ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये शब्द एक बड़े सत्य की ओर
इशारा करता है। जे सो चंदा उग गए, सो चंदा उग जाए, सूरज चढ़ाए हजार हजार सूरज इकट्ठे आसमान पर दर्शन दे दें। ऐते चानण होंदे हां, इतना प्रकाश होने के बाद भी गुरु बिन घोर अंधार। अब यहां शब्द फिर व्याख्याकारों ने उलझा लिया। गुरु बिन घोर अंधार, ऐते चानण होंदे हां, इतनी रोशनी होने के बाद भी अगर गुरु नहीं है, तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। अगर गुरु रूपी प्रकाश नहीं है तो सब अंधकार, अंधकार में छाया हुआ है, अंधकार के भीतर लिपटा हुआ है आपका सारा दर्शन। गुरु कौन है जिसकी बात कर रहे हैं? गुरु बिन कोर अंधार, ऐते चानण होंदे हां, इतनी रोशनाई हो रही है, लेकिन गुरु के बिना सब रोशनी बेकार है। क्या करोगे रोशनी का? रोज सूरज उगता है और सूरज धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, रोज उगता है, तो प्रकाश न भी दिखे तो चिंता मत करना। प्रकाश दिखना जरूरी भी नहीं, नहीं दिखे तो अच्छा, प्रकाश की तमन्ना को त्याग ही देना। प्रकाश दिख भी गया तो कुछ ना दिखेगा, और प्रकाश ही देखना चाहती हो तो रोज सुबह सूरज से आंखें मिला लिया करो। तो जो प्रकाश की व्याख्या की गई वो ये ना थी। प्रकाश का मतलब था वह गुरु, सबसे बड़ा प्रकाश। प्रकाश का मतलब वह गुरु, और गुरु का मतलब, गुरु का मतलब आनंद का सागर। तुम जिसे गुरु कहते हो वो गुरु है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरुओं ने आपके साथ बड़ी साजिश रची, निकम्मे गुरुओं ने पाम पुजवाने शुरू कर दिए, आरती उतरवानी शुरू कर दी, खुद की महिमा व्याख्यान करवाना शुरू कर दिया। गुरु बिन घोर अंधार, इन शब्दों का सहारा लेकर गुरु ने अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी। शुभ नहीं हुआ, शब्द बड़े प्यारे थे, गर्त में डाल दिए गए नरक के। किस गुरु की बात करते हैं? ये उस गुरु की बात करते हैं जो आनंद का सागर है, शांति का एक पुंज है, मस्ती का एक सरोवर है, खुशी का एक खजाना है, महकती हुई खुशबुओं का एक चश्मा है। उस गुरु की बात है, इस गुरु की बात है, जो माटी का पुत्र है, जो पंच तत्व का खिलौना है, जो बोलता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ता है, ये उस गुरु की बात नहीं। संत शब्दों को पकड़ने में आप दक्ष हो, और संत के मर्म को आप समझ नहीं पाते, संत के शब्दों से चिपट जाते हो। अभी कल ही की वीडियो में
एक प्रसंग आया कि मैंने तुम्हें कब से पुकार लिया है, आ जाओ। किसने रोका? दरवाजे खटकने शुरू हो गए। खोलो द्वार, खोलो, तुमने ही द्वार बंद किए, खोलो। अब फिर गलती खा गए, कोई क्या करे। मैंने माथा पीट लिया, हरे राम, ये कब समझेंगे, ये कौन बोल गया, तुमने ख्याल किया, ये कहां से बोल गया, तुमने ख्याल किया। दरवाजा खटखटा रहे हैं लोग, लो आ गए। अरे भाई, मैंने माटी का पुतला कब बुलाया था, मैंने तुम्हारी वो सुरती बुलाई थी, और मैं जहां से आवाज दे रहा था तुम्हारे ही भीतर बैठा, मैंने तुम्हारी सुरती को पुकारा था, आओ मेरे भीतर मिल जाओ, एकाकार हो जाओ। और तुम अपनी देह को, लोथ को लेके यहां पर आ गए, द्वार खटकाने लगे, लो जी आ गए, खोलो द्वार। पुरानी परंपरा है, हम तो आ गए, अब आप द्वार नहीं खोलते। शब्दों को पकड़ने की आदत, संस्कार इतने गहरे, और कुछ गुरुओं ने भटका दिया है। इतनी पूजा करवाई गुरुओं ने इस माटी के पुतले की, कि आप गुरु को, इस माटी के पुतले को ही अपना लक्ष्य समझने लगे हैं। इसकी आरती उतारो, इसकी पूजा प्रार्थना करो, षोडशोपचार पूजन करो, इसको भोग लगाओ। उलझ गए। जो बात कही गई थी इन शब्दों में बड़ी बहुमूल्य थे, बड़ी रहस्यात्मक, आनंद देने वाली, लेकिन आप शब्द को पकड़ लिए, कोई क्या करे। जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानण हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। गलत गुरुओं ने इन शब्दों का दुरुपयोग किया, भीड़ इकट्ठी कर, करोड़ों की तादाद करो पूजन, करो दर्शन, और कई गुरु तो ऐसे मुझसे कोई लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, और प्रश्न मेरी समझ से बाहर होते हैं। अरे भाई, मैंने तो ऐसा कभी बोला नहीं। तो बाबा, अगर ये राधे राधे करते, शब्द कहीं उकचूक हो जाए तो क्या करें। मैंने कहा, भाई तुमने किस गुरु को धारण किया, मैंने तो वो फला गीसु प्रसाद को, मैंने कहा गीसु प्रसाद से पूछो, वो बेचारे घिस गए आपको बताते बताते, पूछ रहे हो तुम उससे। राधे राधे करते करते शब्द कहीं इधर उधर हो गया तो गीसु प्रसाद ने कहा, और गीसु प्रसाद से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने कब कहा। अक्सर मुझे जो फोन कॉल आते हैं उनमें से मेरे शिष्य बहुत कम होते हैं, मेरे शिष्य मुझे फोन कॉल बहुत कम करते हैं। अक्सर तो मेरी वीडियो सुनकर जो शिष्य किसी और धर्म के हैं, किसी और संप्रदाय, किसी और गुरु से नाम शब्द न जाने क्या क्या ले रखा है, मार्ग बतला दिया गया, और मेरे पास फोन आ जाता है, बाबा जी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये सुरती अब तक शब्द में मिली नहीं। मैंने कहा, तुमने किससे पूछा, मैं तो ऐसा कुछ बकवास करता नहीं,
जो आप पूछ रहे हो। नहीं, हमने फला फला गुरु से नाम दान लिया था, फिर उनसे क्यों नहीं पूछते भाई? उनके पास समय नहीं है तो फिर शिष्य क्यों बनाया? बस वो तो सिर्फ दर्शन देते हैं, तुम्हें करो, सिर्फ दर्शन देते हैं तो दर्शन करो, तो फिर इस शंका का समाधान कौन करे? वही जिससे नाम दान लिया है। मुझे उनका रास्ता नहीं पता, मुझे उनकी प्रणाली नहीं पती, वो क्या बता रहे हैं, क्या आपके कानाफूसी कर रहे हैं, मुझे क्या पता इस बात का। सीख के वहां से आए हो, अड़ गए हो तो रास्ते मेरे से पूछते हो, मैंने रास्ता बताया नहीं। अब लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, द्वार खोलो, अब तो आपकी गलती है, आप द्वार खोलते क्यों नहीं? पहले भी 3 बार आकर चले गए, अब बुलाया हम आ भी गए, द्वार खटखटा भी दिया, अब तुम खोलते नहीं। मुश्किलात खड़ी होती है। तुम शब्दों को सदा से ही पकड़ने के आदि हो और शब्दों को पकड़ने के कारण ही चूक चूक जाते हो, और फिर कोई कितना भी समझाए आप चूकने से बाज आते ही। और ये गुरु भी बड़े मजेदार हैं, इनको मजा आता है। अगर थाली में 16 उपचार पूजन की सारी सामग्री हो और इनकी आरती उतारी जाए, और आप ये बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन भाई मैं तो ना तो दर्शन देता हूं, देखो दर्शन नहीं देता, मार्गदर्शन अवश्य करता हूं, सिर्फ दर्शन नहीं देता। रह गई बात पूजन करवाने की, तो जो पूजन मांगता है उनका पूजन कर दो, मैं तो बाहर भी नहीं निकलता। मैंने कब कहा तुम पूजन की सामग्री लेके आ जाना? गुरु बिन कोर अंधार। अगर तुमने वो आनंद का सरस रस न पिया तो फिर तुम अंधेरे में ही भटकते रहोगे, और वो आनंद का सागर गुरु है कहां? इस लोथ को जो बोलते नजर आता है, इस माटी के 5 तत्वों के पुतले को गुरु मत समझ ले। भूल चूक मैं बड़े निष्णात हुआ, कितना ही कोई रास्ता आपको दिखलाते वही भूल चूक फिर करते रहते। शब्द पकड़ोगे, आकृति पकड़ोगे, आकार पकड़ोगे, पूजन करोगे, थाली लेके आओगे, सारी व्यवस्था करोगे, और किसी व्यवस्था में कोई दम नहीं। अगर आनंद ना मिला, आनंद आपकी बुनियादी जरूरत है, आनंद भीतर का आनंद आपकी बुनियादी खुराक है। शरीर को खुराक दे लेते हो, मन को खुराक दे लेते हो, हंस खेल लेते हो, किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया, कोई पिक्चर वगैरह देखा है तो दो घड़ी बैठ के बतिया लिए, बतीसी निकाल ली, मनोरंजन हो जाता है। शरीर को बढ़िया भोजन दे दिया, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, खा लिया, शरीर को भोजन मिल गया, जीवा तृप्त हो गई और खुश हो लेते हो। लेकिन आत्मा, आत्मा को ऐसा गला सड़ा खाना देते हो। करो गुरु पूजा,
और हमने तो गुरु पूजा के नाम पर व्यास पूजा का एक पूरा पर्व ईजाद कर लिया है। इसका अर्थ कुछ और था। गुरु लोगों ने बना लिया गलत व्यास पूजा के नाम पर। आज शिष्यों को एकत्रित करके ठगी रचाई जा रही है। गुरु दक्षिणा दो, गुरु बिन कोर अंधार नहीं, ये तो गुरु ही अंधार हो गया। गुरु बिन घोर अंधार नहीं हुआ, ये गुरु के कारण अंधार हो गया। किस मूर्ख ने कहा कि माटी की परिक्रमा करो, माटी को पूछो। मात्र इसका मतलब यही था, कोई विशेष दिन के ऊपर गुरु पूजा नहीं करनी। पहले तो गुरु पूजा का सही अर्थ ये था, तत्व दर्शन। आप सत्य को देखो, आप उस आनंद के रस को पियो जो छलक रहा है आपके ही भीतर। और अगर आपने वो रस ना पिया तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु बिन कोर अंधार, अगर आपने वो गुरु रूपी अमृत न पिया तो फिर आप कितना ही प्रकाश, सूरज हजार हो, चंदा सो हो, आसमान में उगे, इतना रोशनाई होते हुए भी आप बेचैनी के अंधकार में उलझे रहोगे, आप दुखों के अंधकार से जूझते रहोगे। फिर अगर तुम उस प्रकाश को छोड़ देते हो तो इस गुरु की पूजा में व्यस्त हो जाता है। फिर आपको पाखंडी गुरु उलझा लेते हैं। पूजन करो, गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूजा आ रही है, पूजा करो। कन्नाबत्ती कुर तू चेला ते में गुर, तर्जा माल ते करनू तर। यह है गुरु का प्रारूप। लेकिन गुरु का यह मंत्र तो ना था, ये तो कुछ चूक हो गई, कोई चूक हो गई, भारी चूक हो गई। इन्हीं बातों से तंग आकर दशम गुरु ने एक शब्द कहा, इन बातों से तंग आकर गुरु तेग बहादुर को ढूंढने के लिए अमरू सब नकली गुरु बैठे, सो अशरफियां देनी है। माखन शान लुबाना, वो कहता मैं गुरु, वो कहता मैं गुरु, तो क्या करूं, दो दो टेक दिए। और गुरु तो बैठा है एकांत में मस्त, उसके पास जो धन, जो झरना खुशी का उमड़ गया है, तुम्हारे धन सारी फीके पड़ जाते हैं उस खुशी के। सही पूछो तो तुम सारा धन देकर भी उस खुशी का एक लम्हा नहीं खरीद सकते जो गुरु सदा ही मगन होकर पीता है। सारी जीवन का जो धन उपार्जन तुमने किया, वो सारा धन उपार्जन एक पलड़े के अंदर हो। गुरु जिस मस्ती मौज में रहता है उसका एक लम्हा भी तुम नहीं खरीद सकते। सारा धन जो जिंदगी भर आपने रात्रि जाग कर, इतनी चिंता ग्रस्त, व्याधियों से ग्रस्त, इतनी मेहनत करके जो कमाया आपने जीवन भर, सारा धन भी अगर आप एक
धरिय तुला एक अंग तूल ताही सकल मिली जो सुख लब सतसंग। जो गुरु जिस अमृत को पीता है उसका एक लम्हा भी आपकी पूर्ण जिंदगी की मेहनत से कमाया गया धन नहीं खरीद सकता उसे एक लम्हे को। गुरु बिन कोर अंधार। अब सीधे सीधे शब्द लेंगे, इसके अर्थ लेंगे, उलझनबाजी में बिल्कुल पछड़े में पड़ेंगे ही नहीं। तभी तो गुरु जी ने लास्ट में कहा, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है। बस इस ग्रंथ के मार्गदर्शन और पहुंचना है उस विदेहधारी गुरु के पास। देहधारी गुरु का त्याग कर दो, ये बड़ी मुसीबत पैदा करता है। ये खुद ही व्याधि का हरेंगे, ये खुद ही व्याधि बन के सामने आ जाते हैं। व्याधि हरण करने वाले खुद ही तुम्हारे लिए व्याधि पैदा कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने तंग आकर इस बात सब कुछ बोल दिया गया जो बोलना, उस रहस्य के लिए आवश्यक था बोल दिया गया, कुछ भी बाकी ना रहा। गुरु ग्रंथ साहब का 1430 पन्ना, सब कुछ बोल दिया गया जो बोलना चाहिए, इसकी जरूरत है आपकी अंतर तृप्ति के लिए। ऐसा कोई शब्द बाकी ना बचा, ऐसा कोई फार्मूला बाकी ना बचा जो अभी बाकी रह गया हो। इसलिए गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है। देहधारी गुरु को त्याग दो। क्यों? क्योंकि ये देहधारी गुरु छल लेते हैं, तुम्हें विकारों में विकृतियों में डालते हैं, तुम्हारी प्रेड बड़ी करवाते हैं। कोई शिवर लगाता है, चलो वहां चलो, छुट्टी लो ऑफिस से 5-4 दिन की, और बड़े शोक से जाते हो और थक चूर के वापस आते हो और गुरु के दर्शन करके आयो। भला गुरु के दर्शन किए हों तो आनंद के अहोभाव से भर के ना हो गए, एक अप्रतिम लावण्य तुम्हारे चेहरे के ऊपर नूर बरसेगा अगर सही गुरु से मिलके आओगे तो। और अगर इस माटी के पुतले से मिलके आओगे तो सब खो के आओगे। आज ये गुरु भ्रांतियां बन के रह गए हैं, इसी बात से तंग होने के कारण गुरु गोविंद सिंह ने इस पछड़े को ही उखाड़ फेंका है। देहधारी गुरु को त्याग दो, क्योंकि ये देहधारी गुरु कोई ठीक मार्ग नहीं दिखाते हैं। ये भला पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जानता है नहीं जानता है, और उस रहस्य को हर एक व्यक्ति तो जान नहीं सकता। अगर कोई संत पुरुष है, उसका शिष्य भी संत होगा, या उसका पुत्र या उसका वंशज भी संत होगा, ये कौन कह सकता है? कोई पक्का नहीं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते। लेकिन यहां पीढ़ी दर पीढ़ी राज होता है गुरुगतियों के ऊपर। वो व्यवस्था गलत थी, ये कोई राज सिंहासन थोड़ी कि पुत्र से पुत्र, पुत्र से पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र हो उसको राजगद्दी सौंप दो।
यह अध्यात्म का मसला है, ये प्यार का मसला है, आनंद का मसला है, उस मिश्री का स्वाद, उस गुड़ का खाना है जिसके मिठास का वर्णन नहीं किया जा सकता। जीवा के शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण हुंदिया गुरबिन घोर अंधार। अगर आप अपने उस अंतस गुरु के पास नहीं पहुंचे, बाहर का गुरु तो देखिए, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, 50-50 नहीं है, 99-1 है आज तो, 99 गलत कोई एक ठीक। और नकली गुरु मुझे क्षमा करे मेरी इस दृष्टता के कारण, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नकली गुरुओं की बखिया उधेड़ने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बेचारों को चोट लगती है, न खुद खाता है न खाने देता है, अजीब बात, कोई बात हुई, न खुद खाता है न खाने देता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, बोल कोई और जाता है, नजला मेरे पे गिरता है, मेरा कोई कसूर नहीं। ये वो बलि बोलता है और मुझे उसे रास्ता देना पड़ता है बोलने के लिए, मैं मजबूर हो जाता हूं उन लम्हों में जब वो बोलना चाहता है। इसलिए कृपा करके संत जन मेरे पर दया दृष्टि ही रखें तो अच्छा है, नहीं रखें तो बुरा भी क्या है, कुछ यहां बुरा तो होता भी नहीं। अगर आपने उस भीतर के आनंद को, अमृत का झरना ना पिया, तो फिर अंधकार ही अंधकार, फिर अंधकार में ही जन्मे, अंधकार में ही पले, अंधकार में ही मर जाओगे। गुरु बिन घोर अंधार, घोर अंधेरा होगा, अमावस्या की काली रात होगी, मेघ भी काले होंगे, आशा की कोई किरण दिखाई ना पड़ेगी, बिजली की कोई चमक एक पल के लिए भी तुम्हें रास्ता ना दिखा पाएगा, और तुम इस अंधकार की घनी काली मां के भीतर गिरते 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 दम तोड़ दोगे। अब मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं। तो इस लोथड़ी की बात नहीं कही, इन पंच तत्वों के पुतले की बात नहीं कही। देख, ये तो अक्सर गुमराह ही करते हैं। अगर तुम्हें प्रकाश नहीं दिखा तो वैसे भी नहीं दिखता होता, मैं आपको समझा दूं, ये मूर्खों की बातें हैं, व्याख्याकारों की बातें। और आपने लेना क्या है प्रकाश से, है नीली पीली बत्ती नहीं दिखी बाबा, अरे भाई जीरो पावर का बल्ब लगा के सो जा करो, सारी रात आपको नीली पीली बत्ती दिखे, क्या मामूली बातों के ऊपर घिसी पिटी बातें, ये नहीं दिखा वो नहीं दिखा, थोड़ी सी रोशनाई दिख जाती है फौरन मेरे को कमेंट आ जाता है, मैसेज आता व्हाट्सएप पे, बाबा मुझे ये पीठ के भीतर रेंग रहा है सांप, अरे भाई रेंगने दो तुम्हें क्या कहता है, सांप तो नहीं इतना तो पक्का है, और जो कोई रेंगता है वो रेंगने दो, मेरे कहने से बंद भी नहीं होगा,
और तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकेगा। उसे रेंगने ही दो, मुझे बताने जैसी क्या बात है। मुझे तो उस दिन बताना, ध्यान से सुन लो, जिस दिन तुम्हें बोल बताने के लिए तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, और वो घटना जिस दिन घटेगी तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, ये जीवा बोल न सकेगी, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद, ये बोलती ही नहीं, गूंगे के पास जुबान नहीं होती, गुड़ मिल जाता है खाता है बड़ा मीठा है, कहे कौन मुख स्वाद, किस मुख से स्वाद का वर्णन करे, कोई जरिया नहीं, एक जीवा ही तो थी वो ही है नहीं। तो मेरे से उस दिन बतलाना कोई अनुभव, उससे पहले मत बतलाना, उससे पहले तो सब मूर्ताएं। उस दिन बतलाना जिस दिन वो परम घटना घट जाएगी, और बड़े मजे की बात है उस दिन बतलाने के लिए तुम्हारे पास जुबान नहीं होगी, जुबान छिन जाएगी, वो आनंद इतना गहरा और परम आनंद से युक्त मिश्री सी गोले, और कौन बता पाएगा, फिर तो उसको पीने का दिल करेगा दिन भर रात, सुबह हो कि शाम, फिर तो गटकते रहोगे, मैखाना सदा खुला रहेगा, ये मधुशाला सदा ही खुली रहेगी, पैमानों के जाम ढलते रहेंगे, कभी बंद नहीं होती, जो भीतर का मैखाना जब खुल जाता है, जब पालिया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है, वह हर वक्त ही चढ़ी रहती है, चढ़ती उतरती नहीं है, वहां तो चढ़ी ही रहती है, जिस दिन तुम्हें वो स्वाद मिल गया गूंगे का गुड़, उस दिन तुम्हें जवान छिन जाएगी तुम्हारी, ये है एक निशानी एक लक्ष्य, जिस दिन उस आनंद ने घेर लिया चहुं तरफ से तुम्हें लपेट लिया अपने लपेटे में, उस दिन तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, तुम बोल ना सकोगे, तुमने देखा क्या देखा, कोई वर्णन ना कर पाओगे, वर्णन करने का साधन ये जुबान छीन ली जाएगी, जवान असमर्थ हो जाएगी उस विराट को प्रकट करने में, जो सो चंदा उग में सूरज चढ़े हजार, एत चानण हुंदिया गुरु बिन कोर अंधार, अगर गुरु के पास नहीं पहुंचे उस झरने के करीब जाके पिया नहीं उसका निर्मल जल शीतल, गर्म लुओं में ही तड़पते रहे, अंधकार ही अंधकार होगा, ये उस प्रकाश की बात नहीं करते, उस प्रकाश को तो मना ही करते हैं, चाहे सो चांद उगे जाए चाहे हजार सूरज उग जाए, लेकिन इतने जानने में होते हुए भी अगर तुम्हें वो स्वाद न चखा गया, अगर वो झरना भीतर का फूटा हुआ तुम्हारे कंठ के भीतर को तृप्त न कर गया, तो फिर अंधकार में ही खोए रहोगे, अंधकार में ही जिए, अंधकार में ही चले, अंधकार में ही मर जाओगे। इससे पहले कि इस जहां से रुखसत हो जाओ, उस झरने के शीतल जल से अपनी प्यास बुझा जाना। धन्यवाद।